काफी लंबे समय तक एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश यूरोपीय राष्ट्रों के उपनिवेश बने रहे। इन परतंत्र देशों के लोगों को आजादी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। यह लड़ाई अपने औपनिवेशिक शासकों से आजादी की ही नहीं थी, बल्कि इसमें अपना नेता खुद चुनने की इच्छा भी शामिल थी। हमारा देश उन थोड़े से परतंत्र देशों में एक था जहां लोगों ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष किया। इनमें से अनेक देशों ने दूसरे विश्व युद्ध के तत्काल बाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपना ली। भारत ने 1947 में आज़ादी हासिल की और एक गुलाम देश से लोकतांत्रिक देश बनने की राह पर चल पड़ा। यहाँ आज तक लोकतंत्र बना हुआ है और फल फूल रहा है। उपनिवेश रहे अधिकांश देशों का अनुभव कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पिछले 100 वर्षों में लोकतंत्र किस प्रकार दुनिया के ज़्यादातर देशों में फैलता गया। दुनिया के स्वतंत्र देशों में से आधे से अधिक देश में आज लोकतंत्र है। आप यह भी देखेंगे कि लोकतंत्र का फैलाव बहुत सरलता से और एक जैसे रूप में नहीं हुआ है। विभिन्न देशों में इसने काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। आज भी लोकतंत्र की स्थिरता और टिकाऊपन को लेकर संदेह बना हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद कुमार और आप देख रहे हैं परीक्षा कैफे। आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोकतंत्र क्या है? आखिर लोकतंत्र की वो कौन सी चार विशेषताएं हैं जिसमें इसकी वास्तविकता छिपी हुई है? अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की एक परिभाषा घड़ी थी जिसमें उन्होंने कहा था, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसका मतलब है लोगों के लिए, लोगों की और लोगों द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। आइए हम एक सरल परिभाषा से लोकतंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शासक आप बन जाने का अधिकार देता है। लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव करना, पर उनके मुख से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद। व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन न्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसे सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हम पर शासन करे। लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। हमने एक सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है, लेकिन इसमें कई सारे सवाल उठ खड़े होते हैं, जैसे उस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है, किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं, कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं, सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे। आइए इन सब सवालों पर बारी बारी से चर्चा करते हैं। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैन्य तख्ता पलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। फिर उन्होंने 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गलतियां की गई हैं। अगस्त 2002 में मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस आर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए जिन्हें हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार में मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास चली गई। स्पष्ट है
कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं। इस तरह हम लोकतांत्रिक शासन की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव में मुकाबला। पहले हम बात करेंगे चीन की। चीन की संसद कवांगुओ रेममिन दाई बियाओ दाहुई यानी राष्ट्रीय जनसंसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति चुनने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव वहाँ की सेना करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। 2002-03 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों और उससे संबद्ध कुछ छोटी पार्टियों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली, लेकिन सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनावी मुकाबले के दूसरे चरण में हम बात करेंगे मैक्सिको की। 1930 में आज़ादी मिलने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी सैन्य शासन नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी को ही जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। PRI चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए कुख्यात थी। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट तक नहीं डाल पाते थे। स्पष्ट है कि लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि चुनाव में एक से ज्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास विकल्प ये रहना चाहिए कि वे चाहें तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। इस तरह हम लोकतांत्रिक शासन की दूसरी विशेषता पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए हार जीत के समान अवसर हों। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता नियम कुछ इस प्रकार बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। फिजिक के चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा है। लोकतंत्र राजनैतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल होना चाहिए। कानून का राज और अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे को 1998 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से आजादी मिली। उसके बाद से देश पर जानू PF दल का राज है। इसके नेता रॉबर्ट मुगावे आजादी के बाद से ही शासन कर रहे हैं। चुनाव नियमित रूप से होते हैं और सदा जानू PF दल ही जीतता है। राष्ट्रपति मुगावे कम लोकप्रिय नहीं हैं, लेकिन वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते हैं। आजादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की है और उसकी जवाबदेही को कम किया है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। एक ऐसा कानून भी है जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता है। जिम्बाब्वे के उदाहरण से स्पष्ट है कि लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो हमें चुनाव के पूर्व और बाद की स्थितियों पर नज़र रखना जरूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकार द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। दोस्तों,
अगर हम इन आदर्श पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्थाओं को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में और ज़्यादा विस्तार से जानेंगे। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। फिर तो सभी लोग साथ बैठकर सीधे वहीं फैसले कर सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा को इसी तरह काम करना चाहिए। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के कुछ और तरीकों की कल्पना कर सकते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल परीक्षा कैपो को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल आइकन को दबाएं, फिर ऑल को सिलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे।